हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में आपको श्नाइडर इलेक्ट्रिक मेक एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में बेसिक पैरामीटर सेटिंग और ऑन ऑफ ऑपरेशन के लिए टू वायर कनेक्शन और फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए कंट्रोल टर्मिनल्स के ऊपर कैसे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं उसके बारे जानकारी दूंगा। ये जो मेरे पास एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, ये श्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी की बनी हुई है, जिसका के मॉडल ATV312H075N4 है। तो सबसे पहले मैं इस ड्राइव के जो पावर और कंट्रोल टर्मिनल्स है उसके बारे जानकारी देता हूँ। इसके लिए जो फ्रंट कवर है उसको मैं ओपन करूँगा। तो ये देखिए, ये पावर टर्मिनल्स है ये इनपुट के लिए। ये इस फर्स्ट टर्मिनल के ऊपर जो अर्थवायर कनेक्ट करते हैं, ये L1 L2 L3 है। इनके ऊपर हम लोग जो 3 फेज सप्लाई है 415 वोल्ट वो कनेक्ट करते हैं। ये डाउन टर्मिनल जो UBW है, इनके ऊपर हम लोग जो है 3 कोर केबल के थ्रू जो 0.75 किलोवाट की जो इंडक्शन मोटर जो कनेक्ट की हुई है। तो ये इसके जो कंट्रोल टर्मिनल्स है और ये जो डिप स्विच है। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है, इन कंट्रोल टर्मिनल्स के ऊपर टू वायर कनेक्शन कैसे करते हैं और फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए कैसे पोटेंशियोमीटर जो कनेक्ट करते हैं उसके बारे है। तो इस सबसे पहले मैं आपको जो इसकी जो मेन डिस्प्ले है उसके बारे जानकारी देता हूँ। तो इसकी जो मेन डिस्प्ले है वो 4 digit 7 segment की जो डिजिटल डिस्प्ले है, ये मोड की है, ये जॉग डायल की है। इस की से हम लोग जो प्रोग्राम में जो एंटर करते हैं और पैरामीटर सेव करते हैं और इसका एज ए रोटरी पोटेंशियोमीटर जो है यूज़ भी करते हैं। तो ये एस्केप की है, ये स्टॉप कम रीसेट की है, ये रन की है। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है कि इसमें जो बेसिक पैरामीटर सेट करने का है, तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की हुआ है। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये लिस्ट है, इसमें सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये श्नाइडर LT-bar ATV312 है जो ड्राइव है। इसमें प्रोग्रामिंग कम बेसिक पैरामीटर सेटिंग के बारे जो आज का टॉपिक है वो करेंगे पहले। तो इसमें जो ग्रुप सेट है उसमें सबसे पहले हम लोग जाएंगे और उसमें ये नंबर ऑफ़ पैरामीटर जो है सेट करेंगे। और सेट ग्रुप के बाद हम लोग जो DRC ग्रुप में जाएंगे और ये नंबर ऑफ़ पैरामीटर जो है उसमें फीड करेंगे। और फिर IO ग्रुप में जाएंगे और ये नंबर ऑफ़ पैरामीटर जो है फीड करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है सेट ग्रुप में जाएंगे और ये नंबर ऑफ़ पैरामीटर जो दिए हुए हैं वो सेट करेंगे। तो अभी हम लोग जो ड्राइव के ऊपर चलते हैं। जो पैरामीटर सेट करने के लिए पावर अप करते हैं ड्राइव को, ये देखिए पावर अप करते ही जो मेन डिस्प्ले के ऊपर रेडी लिखा हुआ आ रहा है। प्रोग्राम में एंटर करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है मोड की को 1 टाइम प्रेस करेंगे। देखिए, प्रेस करते ही जो फर्स्ट ग्रुप है रेफरेंस वो डिस्प्ले हो रहा है। हमारे को सेट ग्रुप में जाना है, इसलिए जॉग डायल की को क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे। तो देखिए, ये सेट ग्रुप जो है डिस्प्ले हो रहा है। सेट ग्रुप में एंटर करने के लिए हम लोग जो जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे। तो देखिए, ये ACC जो डिस्प्ले हो रहा है, लिस्ट के ऊपर एक बार चेक करते हैं ये ACC का क्या मीनिंग है। तो देखिए, ये सेट ग्रुप का जो फर्स्ट पैरामीटर ACC है, इसका मतलब एक्सीलेशन टाइम है। हमारी मोटर जो है कितने टाइम में जो हमारी जो स्पीड पिकअप करती है फुल RPM में, तो वो टाइम को एक्सीलेशन टाइम कहते हैं। तो एक्सीलेशन टाइम हम लोगों के पास जो मोटर है उसके लिए हमने जो 5 सेकंड जो है सिलेक्ट करना। तो इसके लिए जे 5 सेकंड सेलेक्ट करेंगे VFD के ऊपर। सबसे पहले जे ACC पैरामीटर में एंटर करने के लिए जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे। और देखिए, प्रेस करते ही जो टाइम है जो 9.3 सेकंड पहले से है, तो इसको कम करेंगे, 5 सेकंड जो सिलेक्ट करेंगे। इसको जॉग डायल की को जो एंटी क्लॉक वाइज ऐसे रोटेट करेंगे धीरे धीरे। और 5 सेकंड जो है सेलेक्ट होने के बाद हम लोग जो देखिए, ये जॉग डायल की को जो है सेंटर से प्रेस करेंगे। तो प्रेस करते ही जैसे जो है ब्लिंक हुआ, तो इसका मतलब हमारा जो है पैरामीटर सेव हो गया। तो अभी एस्केप की प्रेस करके ACC पे फिर आ जाएंगे और लिस्ट के ऊपर चेक करेंगे कि नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है। तो देखिए, जी सेट ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो DEC है। DEC का मतलब डी एक्सीलेशन टाइम है। हमारी मोटर ऑन कमांड ऑफ होने के बाद कितनी देर में ऑफ होती है, तो उसको डी एक्सीलेशन टाइम बोलते हैं। ये 5 सेकंड हम देंगे इस मोटर के लिए जो हमारे पास है।
तो जॉग डायल की को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो DEC जो है डिस्प्ले हो रहा है। एंटर करने के लिए जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे। देखिए जे 8.7 है, इसको 5 सेकंड जो करेंगे जॉग डायल की को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके, और 5 सेकंड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जो है जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे। और देखिए जैसे ब्लिंक हुआ, जैसे सेव हो गया पैरामीटर, तो एस्केप की से फिर DEC के ऊपर आ गए। तो नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा एक बार चेक करेंगे हम लोग। ये सेट ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर LSP, LSP का मतलब लो स्पीड, हमारी लो स्पीड कितनी फ्रीक्वेंसी मिनिमम पे रहती है वो हम लोग जो सेट करेंगे। तो हम लोग जो लो स्पीड जो है 0.0 फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोग जो करेंगे सेट, तो इसके लिए 0 हर्ट्ज़ से सेलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग जो जॉग डायल की को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो देखिए जे रोटेट करते LSP जो डिस्प्ले हो रहा है, एंटर करने के लिए जॉग डायल की को सेंटर में प्रेस करेंगे, तो देखिए 0.0 ऑलरेडी है पहले से। और एस्केप की प्रेस करेंगे, और नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा एक बार लिस्ट के ऊपर चेक करेंगे। सेट ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर है HSP है। HSP का मतलब हाई स्पीड, हमारी मोटर कितनी फ्रीक्वेंसी पे जो मैक्सिमम स्पीड में आएगी तो वो सेट करेंगे। तो हम लोग जो हाई स्पीड जो 50 हर्ट्ज़ के ऊपर जो है हो, इसके लिए 50 हर्ट्ज़ जो सेलेक्ट करेंगे। तो जॉग डायल की को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, HSP डिस्प्ले हो रहा है, इसमें एंटर करने के लिए जो जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे, तो देखिए ये 60 हर्ट्ज़ है, इसको जो 50 करेंगे। जॉग डायल की को हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 50 हर्ट्ज़ जो है सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये 50 आने के बाद जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस किया, ये ब्लिंक हुआ तो इसका मतलब ये सेव हो गया। एस्केप की प्रेस करेंगे 1 टाइम। अभी हम लोग जो नेक्स्ट पैरामीटर एक बार चेक करेंगे कौन सा है। तो ये सेट ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर है जो है, तो देखिए जी ITH है। ITH का मोटर थर्मल करंट, मोटर ओवरलोड सेटिंग इस ग्रुप में करते। हमारे पास जो मोटर उसका मैक्सिमम करंट जो हम 1.5 है, तो उसको 80% के ऊपर सेट करेंगे। 80% जो होता है 1.2 एम्पियर है। तो ITH जो पैरामीटर है इसमें जो हम लोग जो है 1.2 एम्पियर जो है फीड करेंगे। तो देखिए अभी जॉग डायल की को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ITH आ गए, इसको सेंटर से प्रेस करेंगे जॉग डायल की को, तो एंटर कर जाएंगे पैरामीटर में। तो इसका जो करंट है 1.5 एम्पियर जो सेलेक्ट करेंगे, और 1.2 सॉरी सेलेक्ट करेंगे 80% 1.5 का, और जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे, सेव हो गया। एस्केप की प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार हमने जो सेट ग्रुप के जो सभी पैरामीटर वो सेव कर लिए। एस्केप की प्रेस करके फिर सेट में आ गए, देखेंगे नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है जिसके हमने जो पैरामीटर जो सेट करने। देखिए सेट ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो DRC है। DRC में मोटर कंट्रोल के जो पैरामीटर हम लोग जो है फीड करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर जो है BFR है, जो स्टैंडर्ड मोटर फ्रीक्वेंसी होती है वो फीड करते हैं। जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रो मैकेनिकल कमीशन है उसके अकॉर्डिंग टू जो इंडियन मोटर है उनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। तो हम लोग जो है 50 हर्ट्ज़ जो इसमें सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए 50 हर्ट्ज़ हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो जॉग डायल की को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये देखिए DRC ग्रुप आ गए, इसमें एंटर करने के लिए जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस किया, ये BFR जो है डिस्प्ले हो रहा है। अभी फिर जॉग डायल की को एंटर करेंगे तो 60 हर्ट्ज़ है, इसको जो 50 करेंगे हम लोग, जो 50 सेलेक्ट करने के बाद जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे, ये देखिए ब्लिंक हो गया, इसका मतलब ये सेव हो गया। एस्केप की प्रेस करके BFR पे आ गए। फिर नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर है देखेंगे। DRC ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर UNS है। UNS का मतलब मोटर की जो रेटेड वोल्टेज जो नेम प्लेट के ऊपर लिखी हुई है वो इस पैरामीटर में हम लोग जो फीड करते हैं। जो नेम प्लेट के ऊपर है वो 415 वोल्ट है, तो UNS में वो 415 फिट जो सेलेक्ट फीड करेंगे। UNS आ गया, अभी जॉग डायल की को एंटर करेंगे, जी 400 है, तो उसको हम लोग जो 415 करेंगे जॉग डायल की को क्लॉकवाइज रोटेट करके, और 415 आने के बाद जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे, और ब्लिंक हुआ जैसे सेव हो गया। एस्केप की प्रेस करेंगे,
तो फिर नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर है एक बार वो चेक करेंगे। जी DRC ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर है FRS है। FRS का मतलब मोटर रेटेड फ्रीक्वेंसी जो नेम प्लेट के ऊपर लिखी होती है वो 50 हर्ट्ज है हमारे पास जो मोटर है, तो इसलिए 50 हर्ट्ज फीड करेंगे। अभी जॉग डायल की को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो FRS जो डिस्प्ले हो रहा है, FRS में एंटर किया जो है तो 50 हर्ट्ज है ऑलरेडी, तो एस्केप की प्रेस करके FRS में फिर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट पैरामीटर एक बार देखेंगे कौन सा है। ये DRC ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर है NCR है। NCR में जो मोटर रेटेड करंट होता है वो हम लोग जो नेम प्लेट के ऊपर वो फीड करते हैं। ये हमारे पास जो मोटर उसका 1.5 एम्पियर है, तो जॉग डायल की को रोटेट करेंगे। देखिए जी NCR आ गए, NCR में एंटर करेंगे, जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करके जो 2 एम्पियर है इसको 1.5 एम्पियर करेंगे। जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे सेव करने के लिए, तो देखिए जी सेव हो गया। एस्केप की प्रेस करेंगे और नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा वो देखेंगे एक बार लिस्ट के ऊपर। ये DRC ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर NSP, NSP का जो मोटर रेटेड स्पीड जो नेम प्लेट के ऊपर लिखी होती है वो है, तो हमारे पास जो मोटर है उसकी जो नेम प्लेट के ऊपर स्पीड है 1440 है वो फीड करेंगे। तो जॉग डायल की को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो NSP आ गया। जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे, देखिए जी 1400 है। जॉग डायल की को क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको 1440 जो करेंगे, तो 1440 सेलेक्ट करने के बाद जॉग डायल की को सेंटर से एंटर करेंगे। ये ब्लिंक हुआ, जे सेव हो गया। एस्केप की प्रेस करेंगे और नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा वो एक बार चेक करेंगे। DRC ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर कॉस है। कॉस का मतलब मोटर का जो रेटेड पावर फैक्टर है जो नेम प्लेट के ऊपर है वो फीड करेंगे। हमारे पास जो मोटर उसका जो रेटेड पावर फैक्टर नेम प्लेट के ऊपर 0.8 है, तो जॉग डायल की को रोटेट करेंगे। देखिए कॉस जो है जो 0.77 है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जॉग डायल की को 0.8 सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। जॉग डायल की ये सेव हो गया। एस्केप की प्रेस करेंगे और नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर एक बार चेक करेंगे। ये DRC ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर है TFR है। इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग फीड करते हैं। हमने जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से जो फीड करनी है, तो जॉग डायल की को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो देखिए TFR आने तक रोटेट करेंगे। ये TFR डिस्प्ले हो रहा है और जॉग डायल की को सेंटर से एंटर किया। 60 की जगह हम लोग जो 50 हर्ट्ज जो है करेंगे फीड, तो जॉग डायल की को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 50 सेलेक्ट होने के बाद देखिए जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस किया और ब्लिंक हुआ, जो सेव हो गया। एस्केप की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर एक बार चेक कर लेंगे लिस्ट के ऊपर। ये DRC ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर है CFG है। ये मैक्रो कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दो ऑप्शंस है। हम लोग जो है स्टैंडर्ड STD जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे, तो जॉग डायल की को जो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। देखिए CGF आने तक, CGF आने के बाद जो जॉग डायल की को एंटर करेंगे। ये स्टैंडर्ड एक ऑप्शन है, एक दूसरी ऑप्शन जो है वो STS है, मगर हम लोग जो है स्टैंडर्ड STD जो है सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे और एस्केप की जो है प्रेस करेंगे। अभी नेक्स्ट पैरामीटर जो है एक बार सभी इस प्रकार पैरामीटर सेव हो गया। एस्केप की प्रेस करके DRC पे आ गए। जो नेक्स्ट ग्रुप है उसके पैरामीटर एक बार चेक करेंगे हम लोग कौन कौन से। तो इसके लिए देखें नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा है DRC के बाद IO है। IO के जो पैरामीटर है TCC, तो फर्स्ट ये पैरामीटर जो है 2/3 वायर कंट्रोल के लिए, तो हम लोग जो 2 वायर कंट्रोल सेलेक्ट करना है उसके लिए 2C जो सेलेक्ट करेंगे। तो जॉग डायल की को क्लॉकवाइज रोटेट करके IO ग्रुप में जाएंगे। IO ग्रुप में एंटर करने के लिए जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे। TCC आ गए। TCC आने के बाद फिर हम लोग जॉग डायल की को एंटर करेंगे सेंटर से। तो इसमें 3 नंबर ऑफ ऑप्शन है, 2C, 3C और लोकल। हम लोग 2 वायर के लिए 2C जो है सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जॉग डायल की को सेंटर से प्रेस करेंगे और जो एस्केप की प्रेस करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर आईओ ग्रुप का देखेंगे। देखिए आईओ ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो टीसीटी है, तो इस टीसीटी में हम लोग जो टीआरएन जो है सेलेक्ट करेंगे। तो जॉग डायल की को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो टीसीटी डिस्प्ले हो रहा है, तो जॉग डायल की से एंटर किया तो टीआरएन आ गया, तो एस्केप की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो पैरामीटर एक बार जो आईओ ग्रुप का वो देखेंगे। आईओ ग्रुप का जो नेक्स्ट पैरामीटर आरआरएस है, मतलब हमने यदि रिवर्स मोटर को करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए जो इनपुट है LI2 को एक्टिव करेंगे। ऑलरेडी जब हम लोग जो टू वायर सेलेक्ट करते हैं, टू सी सेलेक्ट करते हैं, तो हमारी जो LI2 पिन होती है वो रिवर्स जो रोटेशन में यदि हमने मोटर को करना तो उसके लिए एक्टिव हो जाती है। तो एक बार जो है मतलब LI2 जो पिन है वो रिवर्स जो है ऑपरेशन के लिए एक्टिव हो जाती है। तो जॉग डायल की को रोटेट किया, RRS से डिस्प्ले हो रहा है, एंटर करेंगे जॉग डायल की से LI2 है। ऑलरेडी हम लोग जो अब टू वायर सेलेक्ट करते हैं टू सी, तो LI2 जो है पिन हमारी एक्टिव हो जाती है। इस प्रकार हमारे जो है इस ग्रुप के सभी पैरामीटर जो है सेव हो चुके। तो अभी हम लोग जो है एस्केप की को 1x1 प्रेस करते हुए मेन डिस्प्ले पे आ गए। ये देखिए रेडी लिखा हुआ है, ये मेन डिस्प्ले है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने कंट्रोल टर्मिनल्स के ऊपर जो पोटेंशियोमीटर कैसे कनेक्ट किया हुआ उसके बारे। ये देखिए ये कंट्रोल टर्मिनल्स है, इनके ऊपर हमने ये पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। इसकी जो ड्राइंग है मैं आपको दिखाता हूँ हमने कैसे किया हुआ है। ये देखिए पोटेंशियोमीटर कनेक्शन कैसे किया हुआ है, इसके लिए ये 3 नंबर ऑफ कंट्रोल टर्मिनल्स है जो कि VFT के ऊपर है। ये कॉमन GI1 है और पॉजिटिव 10 वोल्ट है। ये जो कंट्रोल टर्मिनल है ये VFT के ऊपर है। ये पोटेंशियोमीटर है, आप लोग पोटेंशियोमीटर 10 किलो ओम का भी यूज़ कर सकते हैं और 5 किलो ओम का भी जो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास 10 किलो ओम का ये मैंने कनेक्ट किया है, एक साइड इसके जो कॉमन दिया हुआ, दूसरी साइड जो है प्लस 10 वोल्ट दिया हुआ है, और सेंटर जो है इसकी जो आउटपुट है उसको AI1 के ऊपर मैंने कनेक्ट किया हुआ है। इसी प्रकार मैंने जो है कनेक्शन किए हुए है जो पोटेंशियोमीटर के जो है ड्राइव के ऊपर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जो ऑन ऑफ ऑपरेशन के लिए टू वायर कैसे कनेक्शन किए हुए है उसके बारे में। तो ये देखिए टू वायर जो ऑपरेशन के लिए जो कनेक्शन जो ऑन ऑफ के लिए कैसे किए हुए, टू वायर कनेक्शन फॉर ऑन ऑफ ऑपरेशन। ये टर्मिनल है पॉजिटिव 24 और LI1 जो कंट्रोल टर्मिनल है जो BFT के ऊपर, ये दोनों टर्मिनल जो कंट्रोल टर्मिनल जो BFD के ऊपर है। पॉजिटिव 24 को जो NO एलिमेंट सेलेक्टर स्विच के ऊपर फिट किया हुआ है, उसके थ्रू LI1 के ऊपर जो हम लोग देते हैं, तो इसी प्रकार जो कनेक्शन करते हैं। मगर यदि हमने पॉजिटिव 24 वोल्ट देना तो उसके लिए ये कंडीशन है, इफ़ वी यूज पॉजिटिव 24 वोल्ट फॉर ऑन ऑफ कमांड देन डिप स्विच को सिलेक्ट करेंगे सोर्स की तरफ। यदि सोर्स की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव जो 24 वोल्ट का सिग्नल LI1 के ऊपर जाएगा, तो हमारी जो मोटर है उसमें रन की कमांड जाएगी। तो सबसे पहले जो डिप स्विच को सोर्स की तरफ सेलेक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ सेलेक्ट किया तो सोर्स की तरफ जो है सेलेक्ट हो गया। ये पॉजिटिव 24 है और जो सेकंड टर्मिनल है LI1 है, तो LI1 के ऊपर जो है पॉजिटिव जाना है तो इसके लिए सोर्स के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। जिस सेलेक्टर स्विच के ऊपर जो हमने NO एलिमेंट लिया हुआ है, NO एलिमेंट की एक साइड के ऊपर ये देखिए ब्लू कलर वायर जो पॉजिटिव 24 वोल्ट है, NO एलिमेंट की जो आउटपुट है वो LI1 के ऊपर हमने कनेक्ट की हुई है। तो इस प्रकार हमने जो है टू वायर कनेक्शन कर लिए। अभी जो है हम लोग जो है सेलेक्टर स्विच से जो रन कमांड ऑन करेंगे। देखिए सेलेक्टर स्विच को ऑन किया तो हमारी VFD के ऊपर रन कमांड चली गई, मगर हमारी जो मोटर है वो ऑफ है, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 0-0 है। पोटेंशियोमीटर से हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे, जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाया तो हमारी जो मोटर रन होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी जो मोटर है उसकी भी स्पीड जो है इंक्रीज़ हो रही है। हमने जो मैक्सिमम स्पीड 50 हर्ट्ज़ के ऊपर एक बार देखनी है कितनी है, ये देखिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई है, हमारी जो मोटर है फुल RPM के ऊपर जो है रन हो रही है।
यदि आप स्पीड कम करनी चाहते हैं तो पोटेंशियोमीटर से जो कम कर सकते हैं। देखिए जो फ्रीक्वेंसी कम होती है हमारी जो मोटर है उसकी स्पीड भी कम हो गई है। अभी सिलेक्टर स्विच से जो रन कमांड दी हुई है उसको ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए ऑफ़ करते ही हमारी जो मोटर है वो स्टॉप हो गई है। तो इस प्रकार आप लोग जो है बेसिक पैरामीटर सेट कर सकते हैं इस ड्राइव में, और ऑन ऑफ ऑपरेशन के लिए टू वायर कनेक्शन कर सकते हैं, और कंट्रोल टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और इस पर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।